नमस्ते दोस्तों, स्वाद का तड़का में मैं ऋतु आज आपके लिए लेकर आई हूँ रवे से बने बेहद स्वादिष्ट लड्डू, जिनका हर एक दाना खिला भी होगा और नरम भी। और ये लड्डू बनाने के लिए ना तो कोई चाशनी बनाने की झंझट है और ना ही घी डालने की, और इन्हें बनाने में समय भी काफ़ी कम लगता है। तो आइए फटाफट देखते हैं यह रेसिपी कैसे बनाई जाती है। यदि अभी तक आपने स्वाद का तड़का को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर बेल बटन दबा दीजिए। दोस्तों, हमारी आज की स्वीट सी रेसिपी का मेन इंग्रेडिएंट है रवा। यहाँ पे मैंने एक कप बारीक रवा लिया है और जिस कप से हमने रवा मेज़र किया है उसी कप से मेज़र करके 3/4 कप शुगर पाउडर और रवे का डबल यानी कि 2 कप दूध, डेसिकेटेड कोकोनट, घर की फ्रेश क्रीम और हमें लगेगा किशमिश, बादाम, पम्पकिन सीड और इलायची। दोस्तों, लड्डू बनाने के लिए हमें सबसे पहले रवे को सेकना होगा। उसके लिए हम एक पैन गैस में रखेंगे और उसमें रवा डाल देंगे और सिम फ्लेम पे हम रवे को ड्राई रोस्ट करेंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। रवे को सेकते हुए करीब 2 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं रवे का हल्का कलर भी चेंज होने लगा है। अब हम गैस बंद कर देंगे और पैन को हम गैस से नीचे उतार लेंगे और गरम गरम रवे में हम थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे और इसे मिलाते जाएंगे। रवे को दूध में अच्छे से मिला लेना है और आप चेक कर लें इसमें लम्स ना रहे, रवा दूध में इवनली अच्छे से मिक्स हो जाए। और कवर करके इस मिक्स को हम 15 मिनट रेस्ट करने देंगे ताकि रवा अच्छे से फूल जाए। 15 मिनट के बाद आप देखेंगे कि रवे ने पूरा दूध सोक कर लिया है और रवा फूल भी चुका है। अब हम गैस वापस से चालू करेंगे और गैस की फ्लेम सिम पे रखेंगे और इस मिक्स में हम डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच मलाई। आप चाहे तो यहाँ क्रीम की जगह 1 चम्मच घी भी डाल सकते हैं। और मलाई को मिक्स में अच्छे से मिलाने के बाद हमें इस मिक्स को सिम फ्लेम पर ही सेकना होगा और बीच बीच में आप इसे चलाते रहें और अलटते पलटते भी रहें ताकि मिक्स सभी साइड से अच्छे से सिक जाए। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे रवा तो हम सेक चुके हैं तो अब इस मिक्स को वापस से क्यों सेक रहे हैं। इसका रीज़न यह है कि हम इस मिक्स को जितना सेकेंगे ये मिक्स उतना रवेदार होगा, यानी रवे का हर एक दाना फूलकर सेपरेट होने लगेगा और लड्डू उतने ही रवीले और स्वादिष्ट बनेंगे। मिक्स को सेकते हुए करीब 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और जैसा कि आपने पहले देखा कि मिक्स बाइंड फॉर्म में था यानी कि बंधा हुआ था। अब जैसे जैसे रवा सिक रहा है और भी ज़्यादा फूलते जा रहा है और मिक्स को सेपरेट करते जा रहा है। हम इस मिक्स को 2 से 3 मिनट और सेकेंगे ताकि रवा और भी अच्छे से सिक जाए। रवा अच्छे से सिक चुका है और आप देख सकते हैं इसमें हल्का गुलाबी कलर भी आ गया है। अब हम इसमें डाल देंगे शुगर पाउडर और 1 बड़ा चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट और दोनों चीज़ों को मिक्स में अच्छे से मिलाने के बाद 1/2 मिनट सेकेंगे। लड्डू बनाने के लिए मिक्स रेडी हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई बादाम, पम्पकिन सीड्स, किशमिश और इलायची पाउडर और इन सब को भी मिक्स में अच्छे से मिला लेंगे। ड्राई फ्रूट डालने के बाद मिक्स को हमने 1/2 मिनट और सेका है। अब हम गैस बंद कर देंगे और मिक्स को हल्का ठंडा कर लेंगे और फिर मिक्स के गोल गोल लड्डू तैयार कर लेंगे। इस तरीके से। तो दोस्तों, कैसे लगे आपको ये सूजी के लड्डू, हमें कमेंट ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि स्वाद का तड़का का आनंद सभी उठा सके। तो फिर मिलते हैं एक और नए तड़के के साथ। तब तक कीप वॉचिंग एंड सपोर्टिंग योर फेवरेट चैनल स्वाद का तड़का। बाय बाय एंड थैंक यू।